आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपको ज्यूरिसप्रूडेंस को जो बचे हुए दिन है चैट पीजी एग्जाम के लिए उसमें आपको कैसे इसको प्रिपेयर करना है, जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो आपको कैसे उसको अटेम्प्ट करना है ज्यूरिसप्रूडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही में अगर आप रिविजन कर रहे हो तो वो आप कैसे लेके चलो, साथ ही में अगर मान लो आप फ्रॉम स्क्रैच तैयारी करो, आपने कुछ नहीं पढ़ा ज्यूरिसप्रूडेंस में, तो वो भी आप कैसे कर सकते हो, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आपसे करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन करा तो जरूर से ज्वाइन करिए, और साथ ही में अगर आपने हमारे लास्ट इंटरप्रिटेशन कोर्स में नहीं एनरोल करा तो ज्यूरिसप्रूडेंस के स्पेसिफिकली हम लोगों ने वहां पर प्रोवाइड करे हैं सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स, तो वो आपको काफी बेनिफिशियल हो सकता है इस टाइम भी ज्यूरिसप्रूडेंस के लिए। साथ ही में उसमें आपको 200 लेक्चर्स के साथ 35 मॉक पेपर्स और सारी चीजें आपको अवेलेबल रहेंगी, तो आपको एनरोल करना है आप कर सकते हैं, केवल ये आपका 1700 का है। और उसके अलावा अगर आपको बहुत कम उसमें मान लो 900 रुपीज ही केवल आपके पास है, आप तब भी हमारे एसेंशियल कोर्स में एनरोल होकर जो इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल आपके काम आएगा, जो एकदम इंपॉर्टेंट है क्लैट पीजी के लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, 10 मॉक पेपर्स के साथ आप उसको ले सकते हैं। अगर आपको जरूरत है आप एनरोल जरूर करिए। अब बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि ज्यूरिसप्रूडेंस को आप इन बचे हुए दिनों में कैसे प्रिपेयर करोगे क्लैट पीजी पेपर के लिए। तो उसका आंसर सिंपल सा है कि आप अब नहीं कर सकते ज्यूरिसप्रूडेंस को प्रिपेयर, बिकॉज ज्यूरिसप्रूडेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि फिलोसॉफी पे बेस्ड है। आप बहुत ज्यादा पढ़ोगे, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बैठाओगे, मॉक पेपर्स की प्रैक्टिस करोगे, तो जाके एक आपका अंडरस्टैंडिंग बैठेगा कि हाँ भाई ज्यूरिसप्रूडेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं ऐसे आते हैं, इस तरीके से मुझे अपनी पढ़ाई को आगे लेके जाना है, रिविजन मुझे ऐसे करना है, तभी आपको समझ में आएगा। मैं अगर अभी की बात करूं, अभी में आप केवल इतना कर सकते हो कि आप जाओ यूट्यूब पे बैठो और आपको एक, मैं आपको बेसिकली नीचे लिंक पर डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, एक आप बेसिकली प्लेलिस्ट है पूरी ज्यूरिसप्रूडेंस की, वो आप फॉलो करिए, उसके अंदर अंडरस्टैंड करिए कि ज्यूरिसप्रूडेंस के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, स्कूल्स कौन से हैं, किस ज्यूरिस ने क्या बोला है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट कौन है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बैठाइए। बेसिक अंडरस्टैंडिंग बैठाने के बाद थोड़ा मॉक पेपर्स की प्रैक्टिस करिए, और उसके बाद थोड़ा सा बस दिमाग को ठंडा रख के मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं। तो जो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें कि आपको फ्री के नंबर मिल रहे हैं, कम से कम आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, ताकि आप एक ठीक ठाक स्कोर ज्यूरिसप्रूडेंस में भी ला पाओ। दैट इज द बेस्ट अप्रोच टू टेक राइट नाउ। और उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ज्यादा नहीं, बस आप एक दिन, वन डे आप केवल ज्यूरिसप्रूडेंस को अलॉट करके पढ़ लो, मॉक पेपर्स लगा लो, आपका काम मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा थोड़ा हद तक हो जाना चाहिए। अब कैसे ये होगा, स्ट्रेटजी क्या है, अब उसकी बात करते हैं। आपको पहले ये समझना है कि ज्यूरिसप्रूडेंस के अंदर क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। तो देखिए, क्लैट कंसोर्शियम के अंदर जो पैटर्न है ज्यूरिसप्रूडेंस का, उसमें टोटल में आपके दो पैराग्राफ आएंगे ज्यूरिसप्रूडेंस के, जिसमें कि सिक्स क्वेश्चन मतलब ईच होंगे, तो मतलब 12 क्वेश्चन आपके हो गए। अब ये जो आपके दो पैराग्राफ आते हैं, इनके अंदर तीन कैटेगरी के ये होते हैं पैराग्राफ। जो पहली कैटेगरी होती है वो होती है आपकी प्रॉब्लम बेस्ड, ठीक है। अभी जो प्रॉब्लम बेस्ड कैटेगरी होती है, इसके अंदर क्लैट क्या करता है कि आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे कि मान लो हॉफिल्ड की थ्योरी हमने ले ली, हॉफिल्ड की थ्योरी के अंदर वो लोग जाएंगे और वो लोग आपको एग्जांपल्स दे देंगे कि भाई ये पर्टिकुलर है, ये पर्टिकुलर है, ये जनरल पोस्टुलेट है, कोरिलेटिव है, क्या है, कैसे है, पूरा बताओ। उस टाइप के 6 क्वेश्चंस यहाँ पे दे देंगे, 5 आपको दे देंगे। आपको पहला जो टाइप ऑफ बेसिकली जो मिलेगा पैराग्राफ, वो इस टाइप का मिल सकता है, प्रॉब्लम बेस्ड पैराग्राफ। दूसरा आपका होता है कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, ठीक है। जो आपका कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड पैराग्राफ होता है, उसमें क्या होता है कि 6 में से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका कि आंसर सीधे सीधे कॉम्प्रिहेंशन में छुपा होता है, सीधा सीधा। तो आप जाइए, आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा ज्यूरिसप्रूडेंस के अंदर, कुछ भी नहीं आता, तब भी आप उसको एज अ इंग्लिश के पैराग्राफ की तरह ट्रीट करिए, पढ़िए, 5-6 बार पढ़ेंगे, थोड़ा दिमाग में उतरेगा, ठीक। और उसके बाद क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, ढूंढने की कोशिश करिए कि भाई ये जो लाइन लिखी है ना क्वेश्चन में, ये पैराग्राफ में हमें कहाँ मिलती है। फिर थोड़ा आगे का पढ़िए, थोड़ा पीछे का पढ़िए, आपको आंसर मिल जाएगा। और ये जो नंबर होते हैं ना, ये होते हैं फ्री नंबर, आपके फ्री के नंबर, और मैं इनकी बात कर रहा हूँ कि आपका स्कोर कम से कम 3 से 4 से 5 मार्क्स के आपके ज्यूरिसप्रूडेंस के अंदर बढ़ सकता है, अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लो कॉम्प्रिहेंशंस की, थोड़ा आप समझना शुरू करो कि ज्यूरिसप्रूडेंस के अंदर जो वर्ड प्ले होता है, जो लैंग्वेज होती है, वो किस तरीके से काम करती है। दैट विल हेल्प यू अलॉट इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। मैं ये नहीं कह रहा कि ज्यूरिसप्रूडेंस एकदम ही फोड़ डालो, बिल्कुल उसी में सारा टाइम लगा रहे, नहीं, केवल एक दिन लगा दो, मुश्किल से 1.5 दिन लगा दो काम, थोड़ा हद तक आपका 4-5-6 मार्क्स बच जाएंगे। लास्ट टाइप की बात करते हैं। लास्ट टाइप का आपका जो क्वेश्चन आता है, वो आता है आपका मिक्स पैराग्राफ वाला क्वेश्चंस, आपका मिक्स पैराग्राफ। इसमें क्या होगा, ये लोग आपसे जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो पूछ सकते हैं, ठीक है। इसमें अंदर आपको बेसिकली ये लोग एग्जाम्पल दे देंगे, उसमें पूछेंगे कि ये चीज सही है, ये चीज सही है, या फिर ये चीज सही है।
या फिर जैसा मैंने कहा कॉम्प्रिहेंशन के दो तीन टाइप के आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, कॉम्प्रिहेंशन के, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के आंसर आ रहा है, फ्री के मार्क्स हो गए। फिर लास्ट में वो लोग आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई ये पर्टिकुलर जो चीज़ है ये किस जूरिस ने बोली होगी, ये आपका नॉलेज टेस्ट करने के लिए है, कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग, ये किस जूरिस ने बोला, या फिर ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है इसका मीनिंग क्या है ये बता दो। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको पैराग्राफ में उसका आंसर नहीं मिलेगा, वो आपको खुद में, अगर आपने पढ़ा है तो आप आंसर कर पाओगे, नहीं पढ़ा है नहीं कर पाओगे। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे इसको आप अवॉइड करोगे। प्रॉब्लम बेस की मैं अगर बात करूं, अगर मान लो जो कॉन्सेप्ट वहां पे पूछा है इन्होंने, आपको अगर आता है आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे पैराग्राफ को, ठीक, नहीं आता है तो मतलब गैम्बल लेने की जरूरत है ही नहीं, फिर उसको छोड़ दो पूरा, उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब चलिए बात करते हैं कि कैसे आपको ये जो फ्री के मार्क्स मैंने आपको बताया ना, ये कैसे आपको अटेन करने हैं, और थोड़ा ये भी अंडरस्टैंड करते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर आता है ज्यूरिसप्रूडेंस का वो वर्क करता कैसे है, ठीक है। तो पहली चीज जो मैं करूंगा वो है कि जो पैराग्राफ है ना, ये हम लोगों ने बेसिकली संभव लॉ में खुद ये मॉक पेपर हम लोगों ने डिजाइन करा है थोड़ा आपको समझाने के लिए, ये मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के समझा देता हूँ, और फिर मैं आपको क्वेश्चन जो है नीचे उनको कैसे आपको आंसर निकालना है पैराग्राफ में से, कैसे आप खुद से जानना है वो हम लोग बात करेंगे। तो देखिए ये जो पैराग्राफ है ना, ये आपका जुड़ा हुआ है सोशियोलॉजिकल स्कूल से थोड़ा सा, इसका पूरा जो बात है, और अगर आप पढ़ते इस पैराग्राफ को, इसमें दिया है कि देयर आर एग्जांपल्स लॉ के अंदर, एथिक्स के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, जिसमें कि हम लोग दो टाइप ऑफ मोरालिटी को पाते हैं। अभी जो मोरालिटी वाला कंसेप्ट है, ये आपका फुलर वाला कंसेप्ट यहाँ पे बात हो रही है, जो कि यहाँ पे इल्यूमिनेटिंग है। आगे लिखा है कि एज अ एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं तो इंटरनेशनल लॉ के अंदर, अगर हम लोग जैक्सन एनालिसिस की बात करें वर्ल्ड ट्रेड के अंदर और गैट के अंदर, तो हमें एक दिखाई देता है कि जो ट्रीटीज होती है बेसिकली, यहाँ पे जैक्सन बेसिकली आर्ग्यू क्या करते हैं कि अगर हम लोग अपने जो मोरालिटी ऑफ ऑब्लिगेशन होती है और जो मोरालिटी ऑफ एस्पिरेशन होती है, अगर उसको हम लोग मिक्स करना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग एक ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे जहां पे ट्रीटी के अंदर स्टेट्स के ऊपर एक प्रॉब्लम हो जाएगी कि वो लोग उसको ट्रीट करना शुरू कर देंगे कि वो एक ऑब्लिगेशन ना हो कि एस्पिरेशन है। तो जैसे आप मान लो डीपीएसपी होता है और आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं, अगर आप उठा के दोनों को मिक्स कर दोगे तो फिर डीपीएसपी को तो हमें पता ऑब्वियस बात इंप्लीमेंट नहीं करवाना, लेकिन फंडामेंटल राइट्स एक बहुत ज्यादा एसेंशियल चीज होती है जिसको कि हमें इंप्लीमेंट कराना ही कराना है। तो अगर ऐसी टाइप ऑफ ब्लेंड अगर ट्रीटी के अंदर बन रही है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो यही बात जैक्सन ने यहाँ पे इन जो आपकी वर्ड्स है नॉर्म ऑफ एस्पिरेशन, एक इंस्ट्रूमेंट पर अगर हम डालते ट्रीटी के अंदर तो वो गलत होगा। फिर अगर हम लोग ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने की बात करते हैं ट्रीटी के अंदर जो वो होती है, तो यहाँ पे ट्रीटी जो है नॉर्म्स ऑफ एस्पिरेशन कंटेन करेगा तो रिस्क होगा कि स्टेट इसको स्ट्रिक्ट ऑब्लिगेशन को फॉलो करने की जगह इसको मेयर एस्पिरेशन की तरफ पे देख लेगा। फिर आप अगर बात करते हो डिस्टिंक्शन होता है मोरालिटी ऑफ ड्यूटी और मोरालिटी ऑफ एस्पिरेशन के अंदर, वो कहीं ना कहीं आपका सेंट्रल होता है टुवर्ड्स द सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉर्मेटिव फिनोमेना। अब ये जो लाइन है ये पढ़ के आपको थोड़ा सा लगेगा कि यार बड़ी कठिन लाइन है, है कुछ नहीं, लिखा क्या है कि डिस्टिंक्शन होता है ड्यूटी के बीच में मोरालिटी की और ऑब्लिगेशन एस्पिरेशन के बीच में, एक महत्वाकांक्षा और एक आपका ड्यूटी ऑब्लिगेशन, और वो जो दोनों ड्यूटी है वो इंपॉर्टेंट होती है ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि जो सोशल फैब्रिक होता है रूल्स का, ठीक है, नॉर्मेटिव फिनोमेना मतलब रूल्स का अंडरस्टैंडिंग बैठाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उनका डिस्टिंक्शन उनको अलग अलग रखना इंपॉर्टेंट होता है, सीधा सीधे यहाँ पे इन्होंने बोला। फिर सेंट्रल थीम जो है वो इन द मैग्नम ओपस ऑफ फिलिप स्लिज़निक, अब मैग्नम ओपस मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किसी का वर्क, फिलिप स्लिज़निक की यहाँ पे इन्होंने बात करा, इन्होंने कहा द मोरल कॉमनवेल्थ, इनको एक किताब है उसके बारे में इन्होंने बात करा, उसमें उन्होंने कहा है टाइम एंड टाइम अगेन कि जो इंपॉर्टेंस होती है जब आप डिस्टिंग्विश करते हो तो हम लोग किस चीज पे रिलाय कर सकते हैं और क्या हम लोग एक्सपायर करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर डिस्टिंग्विशमेंट है। और उसमें कुछ ऐसे थ्योरिस्ट हैं जो कि इंस्पायर्ड होते हैं इनके वर्क से, और जो केनेथ आपके विंस्टन है वो ये भी कह चुके हैं कि हम लोग यहाँ पे नहीं डिफाइन कर सकते हैं लॉ को अनलेस हम लोग ये ना मान लें कि वो थोड़ा सा आपका विचारवादी या फिर आपका आइडियलिस्टिक है हल्का सा, अगर हम लोग अप्रोच नहीं मानेंगे तो हम लोग लॉ को डिफाइन नहीं कर सकते। सिमिलरली ये भी आर्ग्यू किया जा सकता है कि अगर आप एक डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो तो अनलेस एंड अनटिल आप अगर एक सिंपल सेट ऑफ रूल्स और प्रोसीजर्स जो कि डेमोक्रेटिक आइडियाज के टुवर्ड ओरिएंटेड नहीं है तो आप एक प्रॉपर डेमोक्रेसी, एक वेलफेयर स्टेट जो होता है वो आप एस्टैब्लिश नहीं कर पाओगे। तो ये जो पैराग्राफ है वो कहीं ना कहीं इसी आइडिया के साथ खेलता है, अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा, मतलब अगर आप चार पांच बार पढ़ोगे ना आपको ये चार पांच दो तीन चीजें समझ में आएंगे कि पहला ये दूसरा ये तीसरा चौथा ये। इस तरीके से पैराग्राफ को पढ़ के इजी इजी पार्ट्स में तोड़ लेना है। पहला चीज ये हुआ इंग्लिश की तरह इसको देख के चलो, कुछ भी नहीं आता इंग्लिश की तरह समझो। दूसरे आस पे आते हैं कि अब टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं जो कि आपको मिलेंगे, कुछ ऐसे होंगे जिसका कि आंसर आपको पैराग्राफ मिलेगा जो कि आपका क्वेश्चन नंबर वन है,
यहां पे इन्होंने पूछा द रिस्क एसोसिएटेड विद एडिशन ऑफ नॉर्म्स ऑफ एस्पिरेशन टू ट्रीटीज इज, लाइन बहुत ही सिंपल है कि भाई अगर हम लोग नॉर्म ऑफ एस्पिरेशन को ट्रीटी के अंदर डाल देंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा। तो आप यहां पे दो आपके पास ऑप्शन है, आप या तो ऐसा करो कि आप जाओ पूरे पैराग्राफ के अंदर से लाइन उठा के इसके अंदर मैच करो, आपको आंसर मिल जाएगा। और दूसरा तरीका यह है कि अगर आपने पढ़ा है कि सोशियोलॉजिकल स्कूल होता क्या है, कंसेप्ट आपको पता है, तो आप पढ़ के भी आंसर कर सकते हो कि हाँ भाई स्टेट जो है एसोसिएट करते हैं अपने आप को एसोसिएशन में, डज नॉट मेक सेंस, स्टेट कंसिडर करते हैं ऑब्लिगेशन को एज अ ट्रीटी एज अ ऑब्लिगेशन ट्रीट करते हैं और उसको ब्लेंड मानते हैं ऑब्लिगेशन एसोसिएशन का, ये भी नहीं हो सकता, ये तो उल्टा लिखा है। और फिर स्टेट इवेट करना चाहते हैं स्टेट ऑब्लिगेशन को कि वो कंस्ट्रू कर पाए ऑब्लिगेशन को एज अ मेयर एस्पिरेशन, और ये जो बात है ये ऊपर अपना दिया हुआ है यहाँ पे कि एक प्रॉब्लम यहाँ पे खड़ी होगी कि अगर ट्रीटी के अंदर एस्पिरेशन होंगे तो यहाँ पे रिस्क है कि स्टेट जो है ट्रीटीज की तरह उसको एज अ कर दे। ठीक, आपको आंसर पैराग्राफ के अंदर ही मिल गया, पहला आपने क्वेश्चन टाइप का समझा। चार आपके स्टेटमेंट दिए हैं, चार स्टेटमेंट में तीन स्टेटमेंट मेयर वर्ड प्ले है, हो सकता है एक आध स्टेटमेंट ऐसा जो थोड़ा सा और कंटेन हो, कंफ्यूजिंग हो, लेकिन थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो अगर गेसवर्क भी ले रहे हो आपको आंसर ऊपर मिल जा रहा है सीधा सीधा। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, अब यहाँ पे देखो सेमिनल वर्क ऑफ फिलिप स्लिज़निक, ऊपर मैंने बताया था मैग्नम ओपस करके लिखा था, द मोरल कॉमनवेल्थ आंसर हो गया, उसमें कुछ करना नहीं है। फिर विच द फॉलोइंग जूरिस्ट हैज ऑब्जर्व्ड कि यहाँ पे आपको लाइन दे दिया कि इन दैट शेल्टर्स द नाइट इज नॉट द जर्नीज एंड लॉर्ड ट्रैवलर मस्ट बी रेडी फॉर द मोरो, इट मस्ट बी अ प्रिंसिपल फॉर ग्रोथ। अब ये जो आपकी पूरी बातें हैं ये सोशियोलॉजिकल स्कूल से हम लोग को रिफ्लेक्ट होती है कि हाँ भाई जो लॉ होता है वो इन इटसेल्फ एक ऐसा बेसिकली समझ लो कि एक ट्रैवलर है जिसकी कि एक वो इन में रुका और फिर वो उसकी जर्नी का एंड नहीं, उसको आगे बढ़ते रहना है, ग्रो करना है जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है। ये बात अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अगर आपको है सोशियोलॉजिकल स्कूल की, तो आपको यहाँ पे जो एक होता है ना एलिमिनेशन प्रोसेस, आपको लगाना पड़ेगा कि कौन सा जूरिस्ट किस स्कूल से है, पहले इसको रिकॉल करो, देखो जर्मी बेंथम हो नहीं सकता बिकॉज ये बंदा जो है आपका एनालिटिकल स्कूल का है, फिर वॉन सेवेग्नी हिस्टोरिकल स्कूल का है, नहीं हो सकता। फिर यहाँ पे डिविजन आता है बिटवीन ऑलिवर वेंडल होम्स और जस्टिस बेंजामिन कार्डोज़ो। अब जब यहाँ पे इस तरीके का आपको क्वेश्चन मिला जहाँ पे दो ऐसे लोगों के नाम हैं जो कि जिनकी बातें काफी हद तक सिमिलर है और आपको एकदम क्लियर एकदम डिस्टिंक्शन नहीं पता है कि इन दोनों ने क्या क्या बोला था और इसमें से ये कौन बोल सकता है, वो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करोगे, आप नहीं अटेम्प्ट करोगे बिकॉज ये पक्का गलत होगा। और मान लो इसी के अंदर रुस्को पॉन्ड या फिर मान लो किसी ऐसे बंदे का नाम होता जो कि एकदम श्योर है कि हाँ वो ऐसी बात नहीं बोल सकता है, तभी इसमें जाके टिक लगाइएगा वरना टिक मत लगाइएगा। दैट इज माय एग्जाम, मतलब यहाँ पे वो ये क्वेश्चन उस हिसाब से काफी ज्यादा कठिन है, इन दोनों में कंफ्यूजन बहुत आसानी से हो सकता है अगर आपने नहीं पढ़ा है सोशियोलॉजिकल स्कूल को ठीक से। तो इसका आंसर वैसे आपका बेंजामिन कार्डोज़ो है। फिर बात करते हैं द साइनोजर ऑफ सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉर्मेटिव फिनोमेना इज बेस्ड ऑन, अब यहाँ पे भी देखो थोड़ा सा फ्लावरी लैंग्वेज को यहाँ पे यूज किया गया है, साइनोजर वर्ड यूज कर दिया, इसका मतलब क्या, मतलब होता है अटेंशन, एक आपका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जिसको आप कह सकते हो ना, वो ऑफ आर सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, हमारे सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नॉर्मेटिव फिनोमेना, मतलब रूल बेस्ड जो फिनोमेना है वो किस चीज पे बेस्ड है। अगर आप इसको इस तरीके से तोड़ोगे तो आप समझ सकते हो, ग्रामर का थोड़ा सा यहाँ पे प्ले है, वर्ड प्ले है। और फिर आप ये नोटिस करो कि ये जो लाइन है ना ये आपको पैराग्राफ के ऊपर दिख रही है, ठीक है, ऊपर जाओगे तो पाओगे कि यहाँ पर अगर आप पढ़ रहे हो यहाँ पे, ये देखिए कि सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉर्मेटिव फिनोमेना, यहाँ पे डिस्टिंक्शन बिटवीन मोरालिटी ऑफ ड्यूटी एंड मोरालिटी ऑफ एस्पिरेशन इज अ सेंट्रल आपका सोशल अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉर्मेटिव फिनोमेना है। आप नीचे आते हो, आप यहाँ पे पढ़ते हो, आंसर आपको क्या मिलता है, चॉइस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये हो नहीं सकता, डिस्टिंक्शन बिटवीन ड्यूटी एंड एस्पिरेशन, आंसर हो गया। तो बस सिंपल है, पढ़ो पैराग्राफ को ध्यान से, आंसर मिल जाएगा, सिंपल एज दैट। फिर आगे देखो, ये फिर आप देखो कॉन्सेप्ट आपका जितना क्लियर होगा कि जॉन ऑस्टिन ने किस तरीके से लॉ को डिवाइड करा, अभी आपको पता है कि गॉड मेड लॉ होता है, ह्यूमन लॉ होता है, आप सीधे लगा रहे हो डिवाइन लॉ ह्यूमन लॉ काम खत्म। लेकिन इसी में अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि यार ये पॉजिटिव और मोरालिटी में भी हो सकता है, उसमें मत अटेम्प्ट करना, सीधी सी बात है, मत अटेम्प्ट करना, मत रिस्क लेना। लेकिन अगर आता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लगा देना, बिकॉज इसका आंसर आपको पैराग्राफ से मिलेगा नहीं, इन्होंने सीधे सीधे स्टैंडर्ड ऑन क्वेश्चन पूछा है, तो अगर पढ़ा है जूरिस्प्रूडेंस अच्छे से तो आंसर हो पाएगा वरना नहीं हो पाएगा। और ये जो पैराग्राफ आपका है बेसिकली मिक्स है, तो इसके अंदर अगर आप बात करते हो आपका क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू और क्वेश्चन नंबर फोर, ये सीधा सीधा इसका आंसर आपको पैराग्राफ मिल रहा है। लास्ट वाला जो आपको क्वेश्चन है वो भी देखो, विच द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस एडवोकेट्स लॉ इज अ सोशल फिनोमेना बिकॉज
इट हैज अ मेजर इंपैक्ट ऑन सोसाइटी। अब यहाँ पे सोशियोलॉजिकल स्कूल की साफ साफ बात हो रही है, पैराग्राफ भी उसी पे बेस्ड है, तो आंसर मोस्ट लाइकली यही होगा। बाकी अगर आप स्टेटमेंट्स पढ़ोगे हिस्टोरिकल सोसाइटल और रिलिस्ट, ये आपको देख के लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, सोसाइटी के साथ थोड़ा सा आप कंफ्यूज होगे, लेकिन सोसाइटल स्कूल नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें पता है, तो यहाँ पे चार आपके क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको सीधे सीधे आराम से ईजी मार्क्स दिला सकते हैं। दो क्वेश्चन के लिए अगर आपको मान लो नहीं आता है तो आप नहीं कर पाओगे, बट आप देख सकते हो कि कैसे मैंने यहाँ पे ब्रेक डाउन करा पूरे पेपर को, यहाँ पे ज्यूरिसप्रूडेंस किस पैराग्राफ को, कोई ऐसा कठिन नहीं है, बस पढ़ने की देर है, एक बार पढ़ लिया कायदे से आराम से आंसर आप इसको कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। फिर मैं अगर बात करूं कि आपको बस लास्ट दिन में रिविजन कैसे करना है, तो देखिए रिविजन का सीधा सा तरीका ये है कि आप जो कि ज्यूरिसप्रूडेंस पूरा पढ़ लिया आपने, मान लो हो सकता है अंडरस्टैंडिंग बैठाई आपने, मॉक पेपर्स लगाए, हो सकता है मॉक पेपर से मार्क्स थोड़े कम आ रहे हो, तो सीधी सी बात है थोड़ा सा ना एक दिन लगाइए और रिवाइज करिए, एके जैन उठा लीजिए उससे रिवाइज करिए, नहीं हो रहा है तो आपके पास जो नोट्स होंगे उससे रिवाइज करिए, और रिवाइज करने के बाद थोड़े से मॉक पेपर्स और हो पाए या फिर आपके एमसीक्यूज की जो किताब आती है ना ज्यूरिसप्रूडेंस की वो आप लगा डालिए, थोड़ा आपका ना रिवाइज हो जाएगा, थोड़ा रिफ्रेश हो जाएगा, तो वो अच्छा रहेगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये ना आप एग्जाम के समझ लीजिए करीब 4 से 5 दिन पहले करिएगा, ताकि थोड़ा सा वो दिमाग में रहेगा भी, रिटेन भी रहेगा, और ये भी नहीं होगा कि वो आपके रिवीजन का जो आखिरी के 3-4 दिन होते हैं उसमें वो आपका थोड़ा सा डिस्टर्बेंस करे। तो ये मेरा आपको एक जनरल एक रिकमेंडेशन आपका है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही में अगर आपको लगता है कि आपको कोई और ऐसा टॉपिक है जिस पर आपको वीडियो चाहिए, ज़रूर हमें कमेंट्स नीचे बताइए। आई होप आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से जा रही हो, और आपको हमारे कोर्सेज में एनरोल होना है तो डेफिनेटली आप कोशिश करिए कि आप चाहते हो तो आप एनरोल हो जाइए, चाहे एसेंशियल्स की बात करूँ, चाहे मैं लास्ट मिनट की बात करूँ, और मैं वहाँ पर खुद भी रहूँगा पर्सनली आपको गाइड करने के लिए कैसे आपको पढ़ाई करनी है, क्या चीज़ पढ़नी है, क्या नहीं करनी है, सब मैं आपको बेसिकली बताऊँगा। अगर आप चाहते हो एनरोल होना आप हो सकते हो। नाउ अब मैं आपसे यही कह सकता हूँ कि जो ज्यूरिसप्रूडेंस का पेपर है, अगर मैं एक आपको बेसिकली बोलूँ कि इस पूरी वीडियो का निष्कर्ष क्या है, तो वो ये है कि ज्यूरिसप्रूडेंस एज अ सब्जेक्ट अब क्लैट पीजी के लिए अगर आप प्रिपेयर करने बैठे हो तो नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। क्या आप कर सकते हो वो ये है कि आप जो ये फ्री के नंबर होते हैं ना वो आप थोड़ा सा अपना निकाल पाओ, 5-6-7 नंबर जो भी आपको मिल सकता है वो आप थोड़ा अटेन कर लो तो वो आपका अच्छा होगा। उसके लिए सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस को, जितना ज़्यादा आप अपनी इंग्लिश की रीडिंग के ऊपर थोड़ा सा काम कर लेते हो, 1-2 दिन थोड़ा कंसेप्ट्स के ऊपर ध्यान दे लेते हो, तो मोस्ट प्रॉब्ली आप उसको भी कर पाओगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, एंड आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। बाय।